एल्बम कब आ रही है? पिछले एक साल से मेरा एल्बम 99% रेडी है. अच्छा, 1% पे आके मैं बस फंस गया और मुझे वो समझ नहीं आ रहा. सो आई नो मेरे फैंस भी बड़े इस चीज से डिसअपॉइंटेड हैं. आपने तो खैर सुने हैं सारे गाने. अरे अरे, लेकिन मैं कोशिश भरपूर करूंगा इस साल एल्बम रिलीज कर. सूट बहुत उंदा पाया सी मशा. वही ना, इतनी कूल ड्रेसिंग क्यों, ये इतने अच्छे लग रहे हैं, सीख लें आप लोग भी कुछ. इतनी बोरिंग ड्रेसिंग. मैं भी हुन घर जाके रजाई पाड़ के नहीं तुसी रजाई क्या, मैं सोच रहा सी कि तुसी कहोगे पर्दा ला के पाड़. पूरी सर्कस च ना इहो जिहा सूट वाला बंदा बहुत मशहूर हुंदा है भाई. चीता सिर्फ ओदी गल मानदा होर कोई. इंटरनेशनल लोग ने पूरी दुनिया च माशाल्लाह उन्हां दा नाग है जी. ए सूट दे बड़े फायदे ने कि उठदे आ सार तुसी फंक्शन ते जा सकदे हो. मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हमारा भी भाई है, ज्यादा नहीं. हमें थोड़ा सा हक दे, हमारे भी सैलरी जस्टिफाई कर रही है. हमारे भी सुपरस्टार, हमारे भाई, हमारा फखर है. एहो जे सूट पा के अगले तो एहसान कर दे, वेख लो मैं सुता ही उठ के आ गया. लेकिन बहुत क्लासी है सर. मेरी बात सुने, आपको क्या पता कि ये बातें सुनने तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये कहाँ नसीब होती है. अभी आप लोग, मैं पिछली बार जब इस शो पे आया था तो आपको देख के ना मुझे अल्लाह जन्नत में उनको आला मकाम दे, मानुल्लाह साहब ही आ गए. क्या बात है. जिधर भी मैं कभी उन्होंने सामने आया, उन्होंने मेरी चंगी टका के की. माशाल्लाह पजामा भी तुहाडा खुला डुल्ला है हमेशा ही. ना दोस्त को पजामा ना होवे तो कोई है नहीं पजामा, चल मेरे वाले च ही आ जा. ये लेटेस्ट ट्रेंड्स है या आपको सूट नहीं करेंगे वैसे? अच्छा जी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं. बताइए ये फैशन में आजकल ये बात कहाँ निकली हुई है? एग्जैक्टली, बहुत ट्रेंडी है आजकल तो. इसी तरह की चीजें इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा होती हैं. ये तो बहुत पुराना और ना हुण वाकई रिवाज चेंज हो गया. इहो जे सूट पा के लोग फंक्शन ते जांदे, पेंट कोट पा के घर सौ जांदे.